वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस की एंड व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर मैं डेटा टेबल को टेक अप करूंगा विद इन्फ्लेशन दिस इज पार्ट नंबर फाइव आइएगा मूव करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है यूज डेटा टेबल टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स वेअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्स परसेंट पर एन एम एंड इनिशियल डिपॉजिट इज रुपीज फाइव थाउजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स वेरी बिटवीन रुपीज सेवन थाउजेंड टू सेवनटीन थाउजेंड फॉर ए पीरियड ऑफ टेन ईयर्स ऑल्सो कैलकुलेट हाउ दिज इन्वेस्टमेंट अपीयर इन टूडेज वर्थ गिवन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ टू परसेंट सो मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के केस के अंदर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनुअल डिपॉजिट दिया गया है मुझे इस एनुअल डिपॉजिट्स के अमाउंट के ऊपर इनकी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है इसी के साथ साथ अगर हमारे पास दो परसेंट इन्फ्लेशन रेट है तो उसके अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर वैल्यूज़ की आज की डेट में क्या वर्थ होगी मुझे इसको भी कैलकुलेट करना है सबसे पहले मैं मूव करूँगा इस पर्टिकुलर कॉलम की तरफ जहाँ पर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन को फिलअप करूँगा rate of interest that is given to us is 6% per annum period is 10 years annual deposit amount हमारे पास यहां पर बहुत सारे एनुअल डिपॉजिट्स अमाउंट दिए गए हैं मैं इसके अंदर से टेन थाउजेंड को टेक अप कर लेता हूं इनिशियल डिपॉजिट के केस के अंदर के हमारे पास अमाउंट रुपीज फाइव थाउजेंड का दिया गया है डिपॉजिट टाइप के केस के अंदर के मैं यहां पर बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर ही पेमेंट करूंगा सो आई राइट हेयर वन इन्फ्लेशन के सेल के अंदर हमें यहाँ पर टू परसेंट इन्फ्लेशन रेट दिया गया है अब मुझे इन पर्टिकुलर फैक्ट्स के बेस के ऊपर फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स को कैलकुलेट करना है तो मैं डेटा टेबल की मदद लूंगा लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एफ वी के फंक्शन को टेकअप करना है एफ वी देट इज द फ्यूचर वैल्यू रेट इज सिक्स परसेंट गिवन टू अं सेल नंबर सी थ्री एन पी आर नंबर ऑफ पीरियड इज टेन ईयर्स कॉमा पी एम टी इज टेन थाउजेंड रुपीज स्टूडेंट क्योंकि ये आउटफ्लो है तो मैं इसे माइनस करूँगा इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमने इनिशियल डिपॉजिट भी पाँच हज़ार का दिया हुआ है ये भी एक आउटफ्लो है तो मैं इसको भी माइनस करूँगा मैंने ये माइनस का सिम्बल यहाँ पर दे दिया द नेक्स्ट इज टाइप टाइप के केस के अंदर के हम बिगनिंग ऑफ द ईयर को पेमेंट करेंगे सो so यहाँ पर मैंने सी सेवन को सिलेक्ट कर दिया आई क्लोज पेरेंथेसिस आई प्रेस एंटर जैसी मैंने एंटर प्रेस किया इन फैक्ट्स के बेस के ऊपर मेरे पास एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट आ गई वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वन रुपीज़ क्योंकि अब मुझे डेटा टेबल को यूज करना है तो मैंने ये पूरी रेंज को सिलेक्ट किया I go to data tab. I go to what if analysis. What if analysis के अंदर मैं data table को select करता हूँ Data table को select करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक data table का dialog box आ गया जहाँ पर मेरे पास दो options हैं row input cell and column input cell. मुझे ये values column के अंदर input करनी है so मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ और ये values मुझे डिपॉजिट्स के बेस के ऊपर क्लिक करनी है तो मैंने ये टेन थाउजेंड के ऊपर क्लिक कर दिया सेल की रेफरेंस हमारे पास सी फाइव यहाँ पर आ गई आई से ओके जैसे मैंने ओके okay किया ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट की पूरी टेबल डेटा के साथ पॉपुलेट हो गई स्टूडेंट ध्यान देंगे हमने ये टेन थाउजेंड का अमाउंट लिया था तो फ्यूचर वैल्यू एफ वी फंक्शन ने हमें ये वैल्यू दी थी डेटा टेबल ने भी हमें टेन थाउजेंड के केस के अंदर यही वैल्यू को दिया है हमने जिस पर्टिकुलर एफ फंक्शन को यहां पे यूज किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं अब मुझे इन फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स के टुडेज वर्थ को कैलकुलेट करना है इसके लिए मैं इन्फ्लेशन रेट को टेकअप करूंगा लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहां पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूं टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू इन टू टूडेज वर्थ द फार्मूला इज एफ वी डिवाइडेड बाय पेरेन्थीसिस स्टार्ट वन प्लस इन्फ्लेशन रेट पेरेन्थीसिस क्लोज कैरेट सिम्बल मल्टीप्लाइड बाय पीरियड अगर हम इस पर्टिकुलर फार्मूले को यूज करते हैं तो ये फ्यूचर वैल्यू को टूडेज वर्थ के अंदर कन्वर्ट कर देगा मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फार्मूले को टेकअप कर रहा हूँ इक्व टू फ्यूचर वर्थ हमें यहाँ पर दी गई है जी फोर के अंदर जी फोर डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट वन प्लस इन्फ्लेशन रेट इज टू परसेंट तो मैंने ये टू परसेंट के सेल को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन को ड्रैग डाउन करना है इस सेल की रेफरेंस चेंज ना हो तो मैं यहाँ पर इसको एब्सल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एफ को प्रेस कर देता हूँ पेरेंथेसिस क्लोज कैरेट सिम्बल

मैं इसी फंक्शन को आपके सामने यहां पर दे रहा हूं अब मैंने यह पूरी टेबल को यहां पर सिलेक्ट कर लिया आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर आई गो टू इफ एनालिसिस इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल को मैंने क्लिक कर दिया एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया डेटा टेबल का रो इनपुट सेल आर कॉलम इनपुट सेल मैं इस जगह के ऊपर कॉलम इनपुट सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और यहां पर मैंने टेन थाउजेंड के ऊपर क्लिक कर दिया आई से ओके जैसे मैंने ओके okay पे क्लिक किया मेरे पास इन सभी सेल्स के अंदर फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट की टुडेज वर्थ निकल कर आ गई स्टूडेंट यहां पर नोट करेंगे जब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवनटी वन रुपीज़ था तो उसके इसके अंदर टुडेज़ वर्थ हमारे पास वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी टू रुपीज़ आई और यही वैल्यू को आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं उम्मीद करूँगा इस छोटे से एग्जाम्पल से अब आपको इन्फ्लेशन रेट को टेकअप करके टूडेज़ वर्थ को कैलकुलेट करना भी बहुत आसान हो जाएगा लेकिन उसके लिए आप इस पर्टिकुलर फार्मूले को ध्यान में रखेंगे I hope now the things will become easier for you. Thank you very much.